ओम विश्व की आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार में अपने जीवन एवं कर्म को समर्पित करने आए हजारों भाई बहनों की ओर से और आस्था के करोड़ों दर्शकों की ओर से योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज को हम कोटिशा नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति का जब जब संगम होता है तब तब एक आदर्श व्यक्तित्व का इस धराधाम पर निर्माण होता है, एक परिवर्तन घटित होता है और उस परिवर्तन के साक्षी परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति में जीवन जगत और आत्मा की शिक्षा को वास्तविक ज्ञान माना जाता है। वह शिक्षा ज्ञान को आचरण में उतारने का संदेश देती है, परंतु आज की शिक्षा मैं उसे एकाकी कहूं, अर्थहीन कहूं, आज के युवा में निराशा भरती है। जब तक युवा डिग्री नहीं प्राप्त करता उसे लोग मूर्ख कहते हैं, जब वह डिग्री प्राप्त कर लेता है उसे बेकार कहा जाता है। शिक्षा कर्म से बहुत दूर उस संबंध को शायद विच्छेद ही कर दिया इस शिक्षा ने। परंतु जब हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में आते हैं, ज्ञान और कर्म की शिक्षा को प्राप्त करते हैं, और परम पूज्य स्वामी जी महाराज तो जब अपने जीवन से शिक्षा प्रदान करते हैं बहुत सरलता के साथ, सूक्ष्मता के साथ हृदय तक वह बात पहुंच जाती है। मुझे स्मरण आता है जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज खेती की बात करते हैं और साथ में खेती की बात करते करते सृष्टि की रचना की चर्चा हो जाती है, कर्म फल की चर्चा हो जाती है। पूज्य स्वामी जी महाराज योग की चर्चा कर रहे हैं तो मॉडर्न मेडिकल साइंस की चर्चा हो जाती है। स्वामी जी महाराज स्वदेशी की चर्चा कर रहे हैं तो भारत की अर्थ क्रांति कैसे हो, भारत की आर्थिक नीतियां कैसी हो, भारत समृद्ध कैसे हो, उसका सहस चर्चा हो जाती है। परिवार का प्रबंधन कैसे हो, परिवार का प्रबंधन की चर्चा करते करते राष्ट्र का प्रबंधन कैसे हो, विश्व का प्रबंधन कैसा हो, भारत उसमें किस प्रकार अग्रणी हो, वह रहस्य सहसा उद्घाटित हो जाता है। ऐसे कर्म को समर्पित, ज्ञान को समर्पित ऐसे व्यक्तित्व को हम नमन करते हैं, ऐसे गुरु को पाकर हम धन्य हैं। उन्हें नमन करते हुए आज के सत्र का हम शुभारंभ करते हैं। दीप प्रज्वलन के माध्यम से ज्ञान का दीपक प्रकाशित करने के लिए हमारे आदरणीय श्री आनंद चंद्र पांडे जी, श्री बच्चूराज प्रकाश जी और श्री डीएस खाते जी यहाँ उपलब्ध हैं, जो अपने फाउंडर मेंबर बने हैं, नए फाउंडर मेंबर बने हैं श्री आनंद चंद्र पांडे जी नैनीताल से, उनका भी अभिनंदन। पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से भाई श्री बच्चूराज प्रकाश जी, श्री डीएस खाती जी, आनी श्री बच्चूराज प्रकाश जी तो बेटे इनके अमेरिका में है, ये आंध्र प्रदेश में, परंतु पूर्णता समर्पित जीवन। माता राधा देवनाथ जी कोलकाता से, श्री दीवान चंद जी पलवल से, श्री उत्तम कीर्तिकर, श्री कपिल जी मुंबई से, श्री उत्तम जी, श्री कपिल जी ओडिशा से, बहन विजया जी, श्रीमती मनसा कुमारी भारती, बहन विजया हमारी पूर्णकालिक सदस्य हैं, कार्यकर्ता के रूप में भी निरंतर सेवा करती हैं। श्री श्यामलाल वाल्मीकि जी जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज को वाल्मीकि रामायण भेंट कर रहे हैं फतेहाबाद से, एक बार जोरदार करतल ध्वनि द्वारा उनका भी अभिनंदन और पूरे वाल्मीकि समाज के इस राष्ट्र की रचना में उनके योगदान को भी नमन और अभिनंदन। श्री लक्ष्मीकांत
काटपाल जी आशीर्वाद ले रहे हैं, जो गायक हैं श्री कृष्णलाल जी अजमेर से। हम देखते हैं अपने इतिहास की ओर, उन महापुरुषों की ओर, उनके जीवन की ओर। हम कबीर को देखते हैं, वो कबीर जो कपड़े बुना करते थे, ज्ञान में बहुत ऊंचे परंतु अपने कर्म में भी उतने ही प्रकाश था। गोरा जो कुम्हार थे, रैदास जी जो जूती गाठा करते थे, नामदेव जी जो दर्जी थे, और महात्मा गांधी को जब हम देखते हैं कि वो अपने हाथ से चरखा काता करते थे, अपने हाथ से अपने क्षेत्र की सफाई किया करते थे। जब मैं इन महापुरुषों को देखता हूं और परम पूज्य स्वामी जी महाराज को देखता हूं, तो सहसा ये बात मेरे हृदय को छू जाती है कि पूज्य स्वामी जी महाराज का जीवन कहीं कबीर से प्रेरित है, कहीं रैदास से प्रेरित है। वह जीवन जीवंत है महात्मा गांधी के स्वदेशी के साथ, वह प्रकाशित है संत नामदेव के साथ, जो दर्जी होते हुए पूरे विश्व को अपने ज्ञान से प्रकाशित कर गए। अर्थात ज्ञान की भी बहुत प्रकाश था और कर्म की भी प्रकाश था। यह हमें परम पूज्य स्वामी जी महाराज में श्रद्ध आचार्य जी उनके जीवन में देखने को मिलती है। आज आयुर्वेद के माध्यम से करोड़ों लोगों का जीवन निरोगता को, आरोग्य को प्राप्त हो रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा तप है। वर्षों वर्षों तक गंगोत्री में तप करने के बाद, उन जड़ी बूटियों को स्वयं खोजने के बाद, आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज करोड़ों लोगों को जीवन दान दे रहे हैं। श्रद्धे आचार्य जी के तब से आज लाखों लोग योग और आयुर्वेद से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों मुझे यात्रा करते हुए एक भाई मिले, वो कहने लगे कि पूज्य स्वामी जी महाराज भारत की अर्थ क्रांति के पायनियर हैं, उन्होंने एक नए रोजगार का निर्माण कर दिया। पूरे विश्व में योग और आयुर्वेद को लेकर एक नए रोजगार का निर्माण हुआ है। कुछ लोग कहा करते हैं कि फूल पत्तियों पर धन नहीं लगा करता, परंतु भारत की जड़ी बूटियों के संरक्षण से भारत विश्व की महाशक्ति बन सकता है, अर्थ क्रांति कर सकता है, अर्थ में महाशक्ति बन सकता है। ऐसे भारत की यह जड़ी बूटियां और उनका संरक्षण। आइए ज्ञान शक्ति एवं कर्म शक्ति की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इस युग के महान तपस्वी, विचारक एवं चिंतक के पावन चरणों में चलते हैं अपने कोटिशा प्रणाम के साथ।